अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं दाल का पकोड़ा। चने की दाल ली हमने 100 ग्राम, इसको भिगने के लिए रख दिया था 5 घंटा। 50 ग्राम मूंग की दाल, 50 ग्राम मसूर दाल, इसको भी भिगने रख दिया था हमने। इसको धो लिया अच्छे से, पानी में से बाहर निकाल दिया, देखिए इस तरह से। और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया हमने। जीरा ले लिया 1 चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और सोया की भाजी डालेंगे हम इसके अंदर काट के। पानी डालकर दाल पीसेंगे, जार में दाल डालेंगे। ये दाल डाल दी हमने, आधा कप पानी डालेंगे और इसको पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने दाल को पीस लिया है, इसको बॉल में निकाल लेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। जीरा डालेंगे, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, भाजी हमने काट ली है, इसको धोकर ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे, भाजी डाल दी हमने सभी। एक गड्डी ले ली थी हमने पूरी 200 ग्राम दाल को। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इस तरह से, देखिए। तेल हमने गरम के लिए रख दिया है, अब हम पकोड़े फ्राई करेंगे। हाथ से ही डालेंगे, डाल दी हमने, इसको पलट देंगे। ये हमने पलट दिए, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसी तरह से फ्राई कर लेना है इसको, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इसको निकाल देंगे टिश्यू पेपर पे और इसी तरह से हम सब फ्राई कर लेंगे। लीजिए, बनकर तैयार है दाल का पकोड़ा। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, एकदम क्रिस्पी होता है। और मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।